तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि नेटवर्क क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेटवर्किंग क्या होता है। देखो दोस्तों, नेटवर्किंग जब जब भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज नेटवर्किंग, तो हम उसको बोलते हैं द वे ऑफ प्रोसेस ऑफ यूज अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अभी बात करते हैं ये होता क्या है कि जब भी हम किसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जैसे किसी एक नेटवर्क में हम बैठे हुए हैं और डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं या लैन केबल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप हम काम कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, उसका जो प्रोसेस है, इन बिटवीन जो प्रोसेस उसका हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जो मेनली टाइप्स होते हैं नेटवर्क के, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जिसमें सबसे पहला होता है लैन, दूसरा होता है वैन और तीसरा होता है मैन। ये जो नेटवर्क के पार्ट होते हैं, अभी इसकी डेफिनेशन के बारे में भी हम सीखेंगे। तो ये तीन मेन जो टाइप होते हैं नेटवर्क के, वो ये तीन होते हैं। तो अब देखो दोस्तों, लैन होता क्या है। इट इज क्रिएटेड इन रूम, फ्लोर, बिल्डिंग और अप टू 1 किलोमीटर एरिया, जिसको हम बोलते हैं लैन जो स्टैंड होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो होता क्या कि जब भी हम अपने रूम में या ऑफिस में या किसी बड़ी बिल्डिंग में जब हम वो नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो वाईफाई के थ्रू हो और चाहे वो लैन केबल के थ्रू हो, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जो अप टू 1 किलोमीटर के अंदर होता है वो होता है लैंड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इज प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू कनेक्ट द मल्टीपल लैन। अब देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जब मल्टीपल लैन मतलब मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो बनता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है लैंड कनेक्टिविटी को मिला के। जब मल्टीपल लैंस मिलती है तो बनता है मैन। इसका यूज़ करते हैं लोकल टेलीफोन हो गए, कंपनीज हो गई या केबल टीवी हो गया, अप टू 100 किलोमीटर एरियाज में। मतलब जो 100 किलोमीटर मैक्स एरिया ये जहाँ पे क्रिएट होगा, वो उसका मैक्स एरिया 100 किलोमीटर होता है। अब बात करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। इसमें क्या होता है, मल्टीपल माइंस कनेक्ट होते हैं तब जाके बनता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि अबव 100 किलोमीटर एरिया में जितने भी वायर्स बिछे होते हैं वो काम करते हैं वैन की टेक्नोलॉजी पे, वाइड एरिया नेटवर्क पे। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट पब्लिक नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल लैंस। तो ये क्या होता है, पब्लिक एरिया नेटवर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं वैन टेक्नोलॉजी। जो 100 किलोमीटर एरिया से ज़्यादा अगर हमें कनेक्टिविटी देनी होती है ज़्यादा दूर तक, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वैन टेक्नोलॉजी का। और बेसिकली इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, लीज लाइन में करते हैं, टेलीफोन हो गया वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट कराता है तो वहाँ पे वैन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। अभी हमने सीखा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो बेसिकली जो नेटवर्किंग के टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। ये सबको बताएं कि या तो इंटरनेट हम वायर्ड के थ्रू यूज़ करते हैं जिसको लैन केबल बोलते हैं, या हम वायरलेस इंटरनेट को एक्सेस करते हैं जो कि हम वाईफाई के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो नेटवर्किंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अब बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इनका ये दो पार्ट होते हैं, इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दो तरीके से होती है, पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन और डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं कि वर्क ग्रुप और जिसको बोलते हैं दूसरे को डोमेन। जब भी किसी आप कंपनी में काम करोगे वहाँ पे आपको दो तरीके से सिस्टम मिलते हैं। जैसे हम लोग अपना पर्सनल सिस्टम यूज़ करते हैं वो हमेशा वर्क ग्रुप में होता है, जो कंपनी में सिस्टम यूज होते हैं वो डोमेन में होते हैं। तो वही होता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी देखो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनीशन होती क्या है, जब आप अगर 2, 4, 5, 10 सिस्टम यूज कर रहे हो कंपनी में और वो वर्क ग्रुप में है, तो क्या होता है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड देयर इज नो डोमेन एंड नो क्लाइंट एंड एवरी कंप्यूटर हैव इक्वल राइट्स टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क रिसोर्सेस। अभी देखो क्या होता है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जो वर्क ग्रुप में सिस्टम होते हैं उसमें ना तो कोई डोमेन होता है ना तो कोई क्लाइंट कंप्यूटर होता है, और सारे सिस्टम को इक्वल राइट्स होते हैं। वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क पे
कुछ चेंजेस करने हैं वो नेटवर्क पे चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलर अपने सिस्टम के लिए प्रिंटर्स का भी अपने अकॉर्डिंग वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब सारे कंप्यूटर्स को इक्वल राइट्स होते हैं और वो अपने सिस्टम को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डोमेन क्लाइंट सर्वर, जो डोमेन में सिस्टम होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन वन सिस्टम इज अ सर्वर एंड अदर्स आर क्लाइंट्स, बट डोमेन हैज फुल राइट्स टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क रिसोर्सेज, बट क्लाइंट्स कंप्यूटर हैव नो राइट्स टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क रिसोर्सेज। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, तो बेसिकली ये होता क्या, मैं डेफिनेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो वो सेम डेफिनेशन वहाँ पे बोल पाओ, या आप इस डेफिनेशन को आप लिख भी सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ जिस कंपनी में डोमेन यूज हो रहा होता है वहाँ पे एक सर्वर एज ए डोमेन यूज होता है, बाकी उसके क्लाइंट होते हैं। अब देखो नो राइट्स क्लाइंट, नो राइट्स का मतलब क्या है कि अगर क्लाइंट कंप्यूटर है, डोमेन से कनेक्टेड है, वो क्लाइंट कंप्यूटर अगर वो चाहे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले तो अपने से इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। प्रिंटर में कुछ चेंजेस करने हैं वो नहीं कर पाएगा, नेटवर्क पे कुछ उसको चेंजेस करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कोई शेयर पॉइंट बनाना है, तो क्लाइंट सिस्टम जो होगा वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में नहीं कर पाएगा जब तक वो जो सर्वर है उसको अलाउ नहीं करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है एक, यहाँ पे आप समझो कि अगर क्लाइंट सिस्टम है उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास राइट्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ राइट्स होते हैं डोमेन से। और डोमेन से अगर चाहो तो आप, या उस सर्वर से आप चाहो तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर भी पुश कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंट होता है वर्क ग्रुप और डोमेन कंप्यूटर में। और कई बार आप लोगों से भी पूछ लिया जाता है कि वर्क ग्रुप एंड डोमेन में क्या डिफरेंस होता है, या कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि वर्क ग्रुप क्या होता है या डोमेन कंप्यूटर क्या होता है, तो आपको दोनों केस में यही बताना है। अब एक छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं, इंटरनेट क्या होता है। What is internet? Internet is a network application which provide global communication and works on TCP/IP. देखो TCP/IP होता है एक protocol, अभी हम आगे जानेंगे protocols के बारे में। तो basically internet क्या है, एक application है, एक कह सकते हो कि internet जो क्या है एक service है, जो application है वो network का है। मतलब basically अगर सीधी सी language में बोलूँ तो ये एक सर्विस है जिसको हम लोग यूज करते हैं ग्लोबली कम्युनिकेशन के लिए। इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो, वो आपको पता है, तो विच इज़ यूज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। एक TCP/IP प्रोटोकॉल होता है जिसपे इंटरनेट आपका काम करता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है, और नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन उनकी क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे OSI मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर जो लेयर्स बनी हैं, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर्स, जो 7 लेयर्स होती हैं, तो वो कैसे काम करती हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।